अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहा करते थे कि मेरे दौरे हुकूमत में लोग बाहर से नौकरियां करने के लिए पाकिस्तान आएंगे और आज उनकी वो बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं ये फिलीपींस से इनका ताल्लुक है और नाम है इनका जेरी जेम्स विलियम। इनका क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक है और इस्लामाबाद रावलपिंडी में ई स्किल वाइजर के प्लेटफॉर्म पर इन्होंने दो माह की ट्रेनिंग ली। अमेज़न पर बिजनेस करते हैं और फिलीपीन को छोड़कर पाकिस्तान मुस्तकिल मुंतकिल हो चुके हैं। इनकी मदर पाकिस्तानी है, इनके जो फादर हैं उनका ताल्लुक फिलीपीन से है और ये ज्यादातर वहां रहा करते थे, लेकिन उसके बाद जब ई स्किल वाइजर पर आए यहां पर इन्होंने डॉक्टर नुमान साहब से 2 से 3 माह की ट्रेनिंग ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये $500 से $600 मंथली कमाते हैं जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब अमाउंट बनती है और पाकिस्तान में आकर यहाँ ACCA भी कर रहे हैं। ACCA की जो फी है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये अपनी वालदा और वाली साहब पर बर्डन नहीं बनते बल्कि खुद ही 2-4 घंटे काम करते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं और उसी कमाई में से अपनी फी जो है वो दे देते हैं। इनिशियली अगर कोई भी शख्स 2 से 3 माह की ट्रेनिंग के बाद 1 लाख रुपए पाकिस्तान में कमा रहा है तो मैं ये समझता हूँ ये उसके लिए एक बड़ा संगे मील है जिसको उसने अबूर किया है। आप में से भी कोई शख्स अगर कोई बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, 2-4 घंटे की ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ई स्किल वाइजर के नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनसे राबता कर सकते हैं। जेरी मुझे बताइएगा आपको उर्दू आती है? जी मुझे उर्दू समझ आ जाती है और बोल भी सकता हूँ थोड़ा बहुत। फिलीपीन छोड़कर पाकिस्तान क्यों आए? जैसे आपने मेंशन किया मेरी अमीम पाकिस्तानी है, पहले 2013 में विजिट के लिए आया था लेकिन मैंने देखा कि इट्स क्वाइट अगेंस्ट द इमेज ऑफ पाकिस्तान, इधर लोग भी खुश हैं, चीज़ें भी अफोर्डेबल हैं एंड इट्स क्वाइट गुड फॉर लिविंग। तो इधर आई स्टार्टेड डूइंग माय स्टडीज, मैं अभी ACCA स्टूडेंट हूँ। फिर स्टडीज के दौरान एक टर्म मुझे इंटरनेट पे मिला, वर्चुअल असिस्टेंट। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया इस पे, रिसर्च करके मुझे पता है कि उसमें काफ़ी स्पेशलाइजेशंस आती हैं। एक उसमें था अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, मैंने उसके बड़ा इंट्रीग हुआ था उसमें, तो मैंने इंटरनेट गूगल पे सर्च किया। फिर आपकी वीडियो मिली मुझे, एक बचाया था ई स्किल वाइजर से और तो मुझे काफ़ी वो इंटरेस्ट लगा। मुझे फर्दर रिसर्च किया, मुझे डॉक्टर नुमान और ई स्किल वाइजर के पेज मिला, फिर मैंने ई स्किल वाइजर से रब्ता किया, उनके इंस्टीट्यूट पे आके 2-3 महीनों के लिए ट्रेनिंग्स ली हैं, फिर मैंने उसके बाद $500 कमा लेता हूँ। कितने घंटे काम करते हैं दिन में आप तकरीबन? मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे, लेकिन ये इसके साथ साथ फुल टाइम स्टडीज भी कर रहा हूँ क्योंकि ACCA इज क्वाइट टेक्निकल, एज यू नो इट्स एन अकाउंटिंग फील्ड। अगर आप समझते हैं ज्यादा घंटे काम करें तो आप ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं? ऑब्वियसली इट वेरीज फ्रॉम टाइम एंड हाउ मच एफर्ट यू पुट इनटू इट। तो मैं ऑफ एंड ऑन डील भी दे देता हूँ उसमें, बल्कि टेंशन भी नहीं देता हूँ उसको, लेकिन फिर भी $500 आ जाते हैं मेरे पास। हमने आमतौर पर देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने MBA भी किया हो, MBBS भी किया हो, डॉक्टर भी हो, इंजीनियर्स भी हो, लेकिन वो इतने पैसे कमा नहीं सकते और अगर वो डिग्रीज के बाद किसी इंटरव्यू में जाते भी हैं उनसे सबसे पहले एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड किया जाता है, उनके पास होता नहीं है, जिसकी वजह से उनको 15,000 से 20,000 रुपए की जॉब मिलती है। तो आप ये 2-3 घंटे में जो इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और बहुत से लोग इसको मजाक भी समझते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ इट्स नॉट अ जोक, एंड जो मैं सोच रहा था कि इट्स इम्पॉसिबल और वाकई में जो आपने अभी कहा था वो बात सच है कि डिग्री लेने के बाद काफी लोग को नौकरी भी नहीं मिलती बल्कि फ्री इंटर्नशिप्स के लिए चले जाते हैं। आई एम क्वाइट लकी टू हैव फाउंड ई स्किल वाइजर टू ट्रेन मी एंड टू गिव मी दैट नॉलेज, क्योंकि कोर्स के अलावा सर डॉक्टर नुमान ने काफी कुछ नॉलेज दी है मुझे जो मेरे अपने ग्रूमिंग के लिए काफी मिला है। अमेज़न की मार्केट पूरी दुनिया में बनने जा रही है और पाकिस्तान भी उन खुशनसीब ममालिक में शामिल है, तो आपने ये समझते कि अमेज़न के जरिए जिस तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं फिलीपीन में भी बहुत से लोग अमेज़न पर काम करके डॉलर्स कमा रहे होंगे? फिलीपींस में ट्रेनिंग ले सकता था मैं, लेकिन मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं पाकिस्तान से ही ट्रेनिंग ले लूँगा, इसलिए क्योंकि पहले बात हैंड्स ऑन अप्रोच मिल रहा था मुझे जो फिलीपींस ने नहीं मिल रहा था मुझे ड्यू टू कोविड। ई स्किल वाइजर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दे रही थी, कॉस्ट भी काफ़ी सस्ते पड़ रही थी मुझे, इंतहाई सस्ती। आपने ई स्किल वाइजर को ही क्यों मुंतखब किया? और भी तो काफी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं अमेज़न पर बिजनेस के हवाले से, सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं। ई स्किल वाइजर में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल इनक्यूबेटर में काम करवाते हैं, ऑब्वियसली जो पढ़ते हैं उसमें वो प्रैक्टिकल भी करना होता है ना ताकि जहन में बैठ जाए। अब मैं आई एम सो प्रोफेशनल इन लिस्टिंग इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल जो कोई इंस्टीट्यूट
इस मार्केट में प्रोवाइड भी नहीं करते। आम लफ्जों में ये कह रहे हैं जो बाकी इदारे हैं वो आमतौर पर जब आपको अमेजोन पर ट्रेनिंग देते हैं तो थ्योरी पढ़ाते हैं, तो ये थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखाते हैं और बताते हैं, और जो चीज आप प्रैक्टिकली देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलते। आखिर में उन स्टूडेंट्स को जो ई-स्किल वाइजर को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं? आई वुड से प्लीज ज्वाइन ई-स्किल वाइजर बिकॉज इट डज नॉट जस्ट गिव यू कोर्स कंटेंट्स, साथ में आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो इसको इनक्यूबेटर कहते हैं वो भी मिल जाते हैं हमके, और साथ साथ सर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देते हैं विच हैज़ नो वैल्यू, इट्स priceless, that's what I can say. बहुत शुक्रिया जी, आपने इनकी उर्दू भी सुनी है जो कि पाकिस्तान में रहकर हमारे कल्चर में रहकर और हमारे कल्चर के खाने खाकर और हमारे कल्चर के लोगों को देखकर वो जुबान भी सीख चुके हैं और साथ साथ इंटरनेशनल रेमिटेंस पाकिस्तान में डॉलर्स की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। अभी ये दो चार घंटे काम करते हैं और 500 से 600 डॉलर कमाते हैं और अपनी ACCA की फी दे रहे हैं और पढ़ भी यहाँ पर रहे हैं। तमाम यूथ को इन्होंने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि ये ट्रेनिंग पूरी दुनिया में बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन पाकिस्तानियों और खास तौर पर पाकिस्तान की जो यूथ है उनके लिए ये जो ई स्किल वाइजर जैसे इदारे हैं ये इंतहाई चीप रेट्स में आपको क्वालिटी ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स देते हैं। राजे तहसीन के मुस्तक हैं डॉक्टर नुमान साहब। अगर आप में से कोई भी शख्स ई स्किल वाइजर इस्लामाबाद, पिंडी या गिरदोनवास से ताल्लुक है उसका और वो ज्वाइन करना चाहता है तो आप स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत जल्द लाहौर भी आ रहे हैं और लाहौरियों के लिए भी खुशखबरी है, और वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में उनके गुजारे नहीं होते तो वो अमेजोन पर आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए, एक और मुनफरिद और यूनिक स्टोरी ई स्किल वाइजर के प्लेटफॉर्म से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।